हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकी का खजाना। बहुत ही बारिश हो रही है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो जब जब ठंडी ठंडी बारिश हो और गर्मा गर्म खाने का तो मन करता ही है। तो चलिए बनाते हैं कोथिंबीर वड़ी। मार्केट में बहुत ही फ्रेश हरा धनिया मिल रहा था, तो मैंने सोचा ये धनिया ले लेते हैं और धनिया के पत्तों से हम बनाएंगे वड़ी, जिसे बोलते हैं हम कोथिंबीर वड़ी। उसको मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है और उसे डिप करके रखी ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और सबको पसंद आती है। बनाना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डालते हैं इसमें। अब यहाँ पर ना मैंने 3 बंच लिए हैं। 2 बंच मैंने यूज़ किया है, मैंने परचेज 3 बंच किया था और 2 बंच से हम बना रहे हैं, क्योंकि ना बंच भी बहुत ही बड़े थे। तो भिगो करके 8-10 पानी से अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद में इसे स्ट्रेनर पे डाल दिया है कट करके, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। अभी हम डाल रहे हैं बेसन। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनानी थी क्योंकि फैमिली में सबके लिए बनाना था घर पर, और सबको मज़ा ही करना था इसको खा करके। तो बड़ा ही मज़ा ले रहे थे हम लोग। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर चावल का आटा मैंने 250 ग्राम ले लिया है और 500 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो अब हम यहाँ पर ना अजवाइन 1 टीस्पून डाल रहे हैं, और ये ना अजवाइन मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और एक जार में रखती हूँ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर थोड़ी सी तिल ले लिया है मैंने, सफ़ेद तिल, जो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हाँ, लेकिन नमक डालने के टाइम ये चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि इसको हम खाते हैं चटनी के साथ, तो हरी धनिया की चटनी होगी तो उसमें भी नमक डालना होगा। तो अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के जिंजर का पेस्ट डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को और ज़ीरा को कूट लिया है। अब ये मिर्ची आपके अकॉर्डिंग लीजिए, जितना आपको स्पाइसी चाहिए। और थोड़ी सी मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, और उसे ना पहले इसी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जितना भी धनिया धोते हैं हम तो उसमें पानी रह ही जाता है, तो जो भी पानी है इसमें अच्छे से ये अब्जॉर्व कर ले, और फिर अगर जब लगेगा तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये डो जो बनेगा ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं होगा, क्योंकि ये ना कैसे ना थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, तो ही आपकी जो वड़ी है ना ऊपर से कुरकुरी होगी और अंदर से फ्लफी होगी और टेस्टी होगी। तो इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल करके आटे को सेट करेंगे। तो ये जब आप डो बनाएंगे ना, तो उसको सेट करने के लिए रखना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रख दोगे तो काफ़ी गीला और सॉफ्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगी यहाँ पर धनिया। तो इसके लिए फिर है ना आपको और आटा मिक्स करना पड़ेगा। तो बेटर है जैसे ही ये बाइंड हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद में उसको एक शेप दे करके स्टीम पर हम स्टीम करेंगे। तो अगर आपको स्टीमर नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपके इडली का जो साँचा है उस पर भी करना, या फिर एक जो बर्तन है उसमें पानी को गर्म कर लीजिए और उसके ऊपर स्ट्रेनर रख करके और इसको रेडी करके डाल दीजिए, और 15 से 20 मिनट तक उसको इसी तरह से कवर करके स्टीम करना है। तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डो कम्प्लीटली बना लिया है, और देखिए इसे दिखा रही हूँ मैं, इससे आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो ये इस तरह से करेंगे और उसको ना इस तरह से स्क्वायर की शेप दे देंगे, और इवनली होना चाहिए चारों तरफ से, तो क्या फिर वो अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो कच्ची रह जाएगी और कहीं पर बन जाएगी। तो इसीलिए हम जो है ना इवन शेप दे रहे हैं हाथ से, और इसको ज़रूरत नहीं है आपको किसी चीज़ से देने की। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैंने क्या किया, नीचे की साइड में ना इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिया है, लगा दिया है, और बस इस तरह से हमने जाली पे रख दिया है। अब इसे स्टीम करेंगे और 15 मिनट कम्प्लीटली करके फिर से ठंडा करके अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसके पीसेस मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और अपनी मर्ज़ी आपको कौन से शेप के और कौन से साइज़ के पीसेस करने हैं। तो इसके लिए ये इस तरह से स्क्वायर में मैं कट कर रही हूँ और बना रही हूँ। वड़ी जो है ना स्क्वायर में ही होती है, अगर हम बाहर से भी परचेस करें तो स्क्वायर में होती है। ये ना काफ़ी कॉस्ट वाइज है ना, बहुत कॉस्टली आती है। तो ट्राई करिए आप कि ये जो है ना इस तरह से आप मंगाएंगे। तो ये देखिए मेरी जो नाइफ़ है ना, नाइफ़ का मैंने क्लीन नहीं किया इसके लिए, वो फूट रही थी, लेकिन बाद में क्लीन करके हमने इस तरह से शेप में कट कर लिया। तो मैंने थोड़े छोटे साइज़ में कट किया है, आप लोग थोड़े बड़े भी रख सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, और ये मेरी जो कढ़ाई है ना ये बहुत ही अच्छी है फ्राई करने के लिए, तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल वही उतना ही यूज़ कर रही हूँ जितना हम बना लें और बना करके वो ख़त्म हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ मैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग बहुत सारे बैचेस में बना लेंगे, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे वरना वो टूट जाएगी, क्योंकि ना बहुत ही सॉफ्ट होती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से हम डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इसको फ्राई करने में हार्डली मुझे इतनी क्वांटिटी को 10 मिनट लगे हैं, और जल्दी बन जाती है और बड़ा ही मज़ा आता है। क्या है ना कि भजिया तो सब खाते हैं, लेकिन वड़ी बना करके अगर आप खाएंगे ना बारिश के मौसम में तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये वड़ी आपकी सबकी हमारी सबकी फेवरेट होती है, और वो जब उसके साथ में बारिश का मज़ा आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो बस इसी तरह से बनाइए और अपने अपनी बारिश को बहुत अच्छा बनाइए, और इस तरह फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे जो भी कमेंट्स हैं उसे शेयर कीजिए। ये देखिए बड़ी कितनी प्यारी हो गई है, गोल्डन ब्राउन कर लिया हमने, और सॉस और हरे धनिया की पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। सबको इतनी अच्छी लगती है ना ये बड़ी कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाए खाएं, और जो भी कमेंट्स हैं उसे ज़रूर शेयर करें, और नए वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्दी। अब तो रेनी सीजन है तो कुछ अलग अलग ही बनता रहेगा, तो बहुत जल्द मिलेंगे हम। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर्स ऑल एंड टेक केयर।